Hello, welcome to the special series on spoken English and written English. This is Purushottam Kumar. दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें. अदरवाइज आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगी. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें. तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं कि सबसे बेसिक और छोटे सेंटेंसेस को कैसे बोला और लिखा जा सकता है. मैंने इसके पहले जो एक एपिसोड बनाया था पर्सनल प्रोनाउन पर, उसमें आपको मैंने पूरी तरह से डील कर दिया है आई, ही, शी, इट, नेम, इन सारे के साथ क्या यूज किए जाएंगे और इनका क्या फॉर्म है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है ये. अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी तरह से लिंक दिया हुआ है. आप उस पर जा करके उस लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं. वो काफ़ी यूजफुल वीडियोज है. तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बोलने हैं तो आपको एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, इनका इस्तेमाल करना है. जैसे मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं. तो एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ ही होगा. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है बट ये बिल्कुल यूजफुल भी है, क्योंकि देखने में सिंपल लगता है लेकिन आप जैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस भी चूंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, यू फेल टू डिलीवर. ओके, नेक्स्ट आई के बाद he, she, it या किसी का नेम सिमिलर में हो तो उसके साथ is लगाकर बोलना है. is, right? Like he is poor, he is poor, she is poor, right? name is Ram, Shyam, etc. Ram is poor. That's clear? Now, इनका plural जो मैंने last video में मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? They. And therefore I have written here for the rest. I के लिए am, इनके लिए is, बाकी जो बच गए उनके लिए आर. दैट्स क्लियर? लाइक दे आर पुअर. वी, आई का प्लूरल. दैट्स क्लियर? दे आर पुअर, वी आर पुअर. लेट्स रिपीट इट अगेन. आई के लिए हमेशा एम लगता है प्रेजेंट sense me, present sense me. I am poor, मैं गरीब हूं. I am poor, present sense me. He, she, it, name हो किसी का तो is लगाकर बोलेंगे present sense में. Like he is poor, she is poor. That's clear? Now it का मैं special एक videos बनाऊंगा how to speak the sentences with it. It से शुरू होने वाले या it का use करके बोले जाने वाले जो sentences होंगे उस पर मैं एक अलग से video बनाऊंगा. उसे भी आप जरूर देखें और उसे miss बिल्कुल ना करें. तो it जैसे It is 10 o'clock.
दस बज चुके हैं या दस बज रहे हैं. इट इज 10 o'clock. दस क्लियर. तो प्रेजेंट सेंस में इनके साथ इज लगाकर बोलेंगे, आई के साथ एम लगाकर बोलेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आर लगाकर बोलेंगे. दैट्स क्लियर. अब है अगर इनको हम पास्ट फॉर्म में बोले, जैसे मैं था गरीब, नॉट नाउ, अब मैं हूं नहीं, मैं था, तो क्या बोलेंगे एम के जगह पर? वॉज. दैट्स क्लियर. तो वॉज का यूज किसके साथ करना है? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, श्याम वॉज, दिस ऑल. ठीक है, इन सब के साथ पास्ट का सेंस देने के लिए वॉज का यूज करेंगे. वॉज, आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, राम वॉज, श्याम वॉज. दैट्स क्लियर. अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो वॉज के जगह पर वेर बोलेंगे. वर, डब्ल्यू ई आर ई, वर. लाइक दे वेर एट होम, वे सब घर पर थे. दे वेर एट होम, वे सब घर पर थे. वी वेर नॉट एट होम, हम लोग घर पर नहीं थे. We were not at home. हम लोग घर पर नहीं थे. तो इस तरह से अगर आपको पास्ट का सेंस बताना है तो was and were इस्तेमाल कीजिए, और प्रेजेंट का सेंस बोलना है तो is, am, are. am का यूज I के साथ, बाकी इनके साथ is का यूज करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ are का यूज करेंगे प्रेजेंट का सेंस देने के लिए. अगर पास्ट का सेंस देना है तो आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारे के साथ दे, वी, अर्थात इन के साथ वेयर का यूज करेंगे. दैट्स क्लियर. अब हैव और हैज और हैड, इनका मतलब होता है पोजेशन टाइप का. अगर कोई चीज आपको यह बताना हो कि यह मेरे पास है, क्लियर, या यह मेरे पास था, या वह मेरे पास है, या कुछ मेरे पास था, तो इस तरह का सेंस देने के लिए आप has, have, had का इस्तेमाल करेंगे. अगर प्रेजेंट सेंस देना है, वर्तमान की चीजों के बारे में बतानी है, तो आप has, have बोलेंगे. और पास्ट का सेंस अगर देना है तो हैड का सेंस बोलेंगे. दैट्स क्लियर. पास्ट का सेंस देना है तो हैड का सेंस बोलेंगे. अब आप देख लें, आई हैव, आई हैव, बच गया ही, सी, इट, नेम, तो इसके साथ हैज. और जो प्लुरल फॉर्म वाले जो सब्जेक्ट्स या प्रोनाउन होंगे उनके लिए आप यूज करेंगे क्या? हैव. जैसे दे, वी, आई के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव. एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा. जैसे आई हैव अ स्केच पेन, मेरे पास स्केच पेन है. दे हैव अ स्केच पेन, उन लोगों के पास स्केच पेन है. वी हैव स्केच पेन, हम लोगों के पास स्केच पेन है. ठीक है, आई, दे, वी, या कोई और प्लुरल टाइप का सेंटेंस हो सब्जेक्ट वाले तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे. इज क्लियर. अब सिंगुलर फॉर्म में वो थर्ड पर्सन का हो जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो वहां पर हम हैज करेंगे. जैसे He has a pen, उसके पास एक कलम है. She has a bottle, उसके पास एक बॉटल है. नेम में कोई भी नेम का इस्तेमाल करना है किसी का भी, तो वहां पर भी सिंगुलर फॉर्म में has होगा. अगर एक से ज्यादा नाम हो गया, जैसे
बोलना है मुझे राम एंड श्याम, तो फिर हैज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म को बताता है, अकेला हो तो हैज, अगर एक से ज्यादा हो गया तो हैव, लाइक राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हैव नो पेन, मतलब उनके पास कोई कलम नहीं है। राम एंड श्याम हैव नो पेन, उनके पास कोई कलम नहीं है। ठीक है, अभी राम एंड श्याम नाम है बट चूंकि सब्जेक्ट दो दो लोगों को बता रहा है, यानी कि एक से ज्यादा हो गया वो प्लुरल फॉर्म में हो गया, देयरफॉर हैव का इस्तेमाल होगा न कि हैज का। अब है पास्ट फॉर्म। अगर इस तरह के पोजिशन वाले सेंटेंसेस, मैंने आपको बताया पोजिशन इसमें फील होता है कि मेरे पास कुछ है, लेकिन अगर बताना है कि मेरे पास कुछ था तब हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड। ठीक है, जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। ई हैड अ पेन, उसके पास एक कलम था। ठीक है, शी हैड ए कार, उसके पास एक कार था। ठीक है, इट हैड फोर लेग्स। आप किसी जानवर की बात करें, उसके पास पहले चार लेग्स थे बट अब नहीं है, जैसे चीटी सपोज कीजिए, या आप डॉग को ले लिए। ठीक है, तो अगर हमको बोलना है कि डॉग के पहले पैर थे बट अब नहीं है, मतलब था का सेंस जब देना था तब क्या बोलेंगे, इट हैड फोर लेग्स, मतलब उनके चार पैर थे बट नाउ लेकिन अब इट हैज नो लेग्स। ठीक है, इसके पास अब कोई पैर नहीं है, पहले था और अब नहीं है। था तो हैज, अगर है तो हैज या हैव। ठीक है, ये बेसिक सेंटेंसेस के लिए हैं और ये बहुत ही ज़रूरत है, ये बहुत जगह आपको बोलने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, अब आपको इन सारे बेसिक सेंटेंसेस का प्रैक्टिस शुरू कर देना है, कहीं भी चांसेस मिले आप उसे बोलिए, इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप स्कूल में हैं तो स्कूल में इस्तेमाल कीजिए, अपने टीचर्स के साथ इस्तेमाल कीजिए बोलने में, ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में करें, लेकिन आप बोलें। बिकॉज One thing I must tell you and share with you, language is all about habit and habit comes through practice. मैं हिंदी में बता दूँ इसको कि भाषा सीखने के लिए आदत ही सबसे ज़रूरत है, और आदत तब तक नहीं आती है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपकी प्रैक्टिस ही आपकी आदत बनेगी और आपकी आदत ही आपको लैंग्वेज को सीखने में मदद करेगी। एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिपीट, कीप प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ भी चांसेस मिले आप प्रैक्टिस करें, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत है सुनना। आप बिल्कुल सुने और इंग्लिश का ही कोई ऑडियो या वीडियो सुने, और भी इंडियन स्पीकर का, ताकि आपको एक्सेंट समझ में आए। फिलहाल के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता दूं कि आप YouTube पर जाइए और वहाँ पर इंग्लिश के जितने भी शॉर्ट फिल्म होते हैं उन्हें आप देखिए, ताकि आपको सुनने की आदत पड़े। अगर आप सुनना नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रथम जो सीढ़ी होती है, द फर्स्ट स्टेज लर्न इंग्लिश is to listen, सुनना ही सबसे बड़ी चीज है। आप सुनते रहिए लोगों को जो बोलते हैं इंग्लिश। क्यों